मन का, प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति गरी आवे, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तिन का, ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं जिसकी, प्रभु शरण पड़ो मैं जिसकी, तुम बिन यो प्रभु बिन यो दूरा में आज करो मैं जिसकी, ओम जय तुम्हें पूरण कर मातम तुम्हें अंतर कामी, प्रभु तुम्हें अंतर कामी, पारे रंग पर देख पारे रंग पर देख तुम सब ये स्वामी, ओम जय हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पाने करता, प्रभु तुम्हें रक्षा करता, शेर तुम्हें स्वामी कृपा हरे। अजान आ रही है तो अजान के बाद जो हम कभी तराना शुरू करेंगे, 5 मिनट बैठे अजान बनेगा उसके बाद कभी तराना शुरू करेंगे, फिर आगे जैसा कि नाज़रीन आपने देखा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त सलाह डॉक्टर रमेश कुमार वानपानी साहब इस वक्त पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से कंबाइंड मैरिज की तकरीब में उन्होंने बाकायदा तौर पे ओम जय जगदीश की आरती के बाद उन्होंने एक बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया है और आप देख सकते हैं डॉक्टर रमेश कुमार वानपानी साहब और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तमाम मेम्बरान स्टेज पे इस वक्त मौजूद हैं और आरती के बाद पाकिस्तान एंथम जैसा कि नमाज के ब्रेक के बाद
पाकिस्तान एंथम के बाद बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा और इस दरमियान में मैं आपको इस पंडाल में मौजूद तमाम दूल्हा दुल्हन और उनके मौजूदीन और उनके रिश्तेदारों की जानिब भी चलता हूँ। जैसा कि आप देखें कि इस पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इस जमे का फील के इज्तम में किस तरह से लोग जमा हैं और इस इज्तमी शादियों में शरीक हुए हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इस प्रोग्राम में सिक्योरिटी के भी बेहतरीन फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल सिक्योरिटी तैनात की गई है। आप देख सकते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी वॉलंटियर्स भी हैं और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन और उनके जोड़ों के रिश्तेदार यहाँ पे अहबाब मौजूद हैं। उन अहबाबों के दरमियान मैं आपको ले जा रहा हूँ और आप देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे इनकी अपनी हिंदू रसूमात की तौर पे इनकी शादियों का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। और इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मंडप नंबर एक में। आप देखते हैं यहाँ पे रोहित की शादी होने जा रही है राधिका के साथ और मैं आपको रोहित और राधिका के साथ आपसे नमस्ते। रोहित क्या हाल है, कैसे हैं? रोहित तो आपकी यहाँ पे आज शादी हो रही है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जाने से, जो इज्तमाही शादियाँ की गई है उनमें एक नंबर आपको मिला है और पहली शादी आपकी होने जा रही है और आपकी जो रिश्ता है अज़दवाज में मंसलिक होने जा रही है। आपकी वाइफ उनका नाम राधिका है और मैं आपको और आपकी वाइफ को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने इज्तमाही शादियों का प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम में पहले दूल्हा के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे इन दूल्हा के साथ इनके अपने रिश्तेदार अजीज व अकारिब भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे एक इस तरह की इज्तमाही शादी का तासुर नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि किसी बेहतरीन किस्म की बैंकेट और मार्की में इस शादी का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार वाघमारे साहब ने इस वक्त अपनी तकारीर और उनकी तरानी की तरफ आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसा कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में रहने वाले तमाम के तमाम लोग और अपनी बरादरी मोहब्बे वतन बरादरी और मोहब्बे वतन तो पाकिस्तान के एग्जिट के बाद में इन लोगों के आपसे ख्याल भी शेयर करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे ही पाकिस्तान का कौमी तराना स्टार्ट होता है उसके बाद तमाम दूल्हा दुल्हन हुए इनसे मैं आपको जैसा कि आपने देखा इस वतन अजीज की और इस मिट्टी की मोहब्बत में पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू अकलियती बरादरी के रहनमा और सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार वांगमानी साहब ने अपनी ही जुबानी इस पंडाल में पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया और इस कौमी तराने तराना गाया भी हर चीज के लिए महाराज स्वामी आपको बताएंगे। प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को कोई संदेश दे दीजिए। वॉलंटियर्स का तहत नहीं, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और
और जैसा कि मैंने आपसे मालूम किया था कि आपकी शादी होने जा रही है, तो आज आप यहाँ पे इस पंडाल में मौजूद है कि आप बताना चाहेंगे कि दुनिया भर में रहने वाली कुंभेतों को, कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अकलियतें पाकिस्तान के पश्चिम जिले सब एक है और इस पाकिस्तान में तमाम इंतहाई मोहब्बत और आजादी के साथ तमाम के तमाम कुंभेतें मिल के डॉक्टर रमेश कुमार जो कि हिंदू कम्युनिटी के महबूब लीडर और सरपंच आला है उनके साथ मिलके यहाँ पे शरीक होके आपकी खुशियों में शरीक हुए हैं और आपके जो शादी के प्रोग्राम है, जो शादी का एहतमाम किया गया पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, और वो सुना है कि आपको पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और सरपंच तेला साहब की जानिब से दहेज भी दिया जाएगा और ये तमाम दस्तावेज़ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने किए हैं। आप कैसा क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपंच तेला ने जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है फिलहाल तो। अच्छा, आपकी शादी से बहुत खुश है जी? बिल्कुल, तरह की शादी आपने यहाँ पे पहली मरतबा देखी है? यहाँ 15 साल से जैसे हो रही है शादी, आपके रिश्तेदार अजीज है उन्होंने की भी यहाँ पे शादी हुई, आप उनकी शादी में भी ऐसे शरीक हुए? मैं मामों की शादी हुई थी मेरे और दोनों मामों की शादी हुई थी, मैं उसमें आया था। अच्छा, सर आपके तमाम रिश्तेदार और आपकी कौम बरादरी की हर साल जो शादियाँ होती है उनमें कई सारे लोग शामिल होते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो दुल्हन बता सकती है की पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने जो प्रोग्राम किया है इस प्रोग्राम में आपको यहाँ पे किसी चीज की तकलीफ नहीं? मैंने तो देखा आपके पंडाल में खाना और बेहतरीन कस्टम के खाने के साथ पानी मिनरल वाटर की बोतल और चाय का इंतजाम किया था। डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो ये एहतमाम करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप भले पूछ सकते हैं, कोई मसला है नहीं है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब से आप कितनी मोहब्बत करते हैं? यहाँ पे आज इतनी सारे लोग मौजूद है, आप उनसे बहुत ही ज्यादा करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं, आपके रिश्तेदार भी मोहब्बत करते हैं? सर हम सब डॉक्टर रमेश के साथ हैं। अच्छा, आप डॉक्टर रमेश कुमार जो पाकिस्तान के तमाम हिंदू कम्युनिटी के सरपंच से आला उनके साथ बहुत बालियाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। ये आप कहाँ से आए? मैं कोरंगी क्रॉसिंग से आया, कोरंगी क्रॉसिंग। अच्छा, कोरंगी एरिया से, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। चले मैं दूसरे दुल्हन दुल्हन से मिलूंगा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और जैसा कि डॉक्टर रमेश कुमार साहब से भी मैं उनके कैला से भी पूछूंगा, आपने उनके लिए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, बड़ी मेहरबानी, मुझे बहुत खुशी है। दोबारा मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। डॉक्टर रमेश कुमार की, डॉक्टर रमेश कुमार की, डॉक्टर रमेश कुमार की। शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पंडाल में मौजूद तमाम तर वो रस्म रवायत की चीजें हैं जिनमें हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मुताबिक उनकी जो शादी की रसूमात अदा की जाती है, तमाम तर वही चीजें यहाँ पे मौजूद है और उसी कल्चर और उसी ट्रेडिशन के मुताबिक। सनी क्या हाल है, खैरियत से? और सीधे आपसे वही पानी जो है वो उनके हाथ में पानी लेके सीधे आपसे। आप ये देख सकते हैं सनातन धर्म और जो इनकी रस्म सनातन धर्म के मुताबिक जो रस्म रवायत है उस रस्म रवाज के मुताबिक यहाँ पे सनी और उनकी दुल्हन यहाँ पे मौजूद है। मैं इनके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ और इनके ख्याल भी मालूम करूंगा और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल शादियों के अहतमाम में इनको कितनी खुशी हुई है और ये कितना जो है यहाँ पे बैठ के कितना फख्र महसूस कर रहे हैं और मैं इनसे आपको मुखातिब करा। सनी क्या हाल है आपके? क्या नाम है सनी जी? अच्छा सनी, आप कहाँ से आए? पंजाब कॉलोनी। पंजाब कॉलोनी से आए? ये मेरे भाई हैं सनी, यहाँ पे मौजूद हैं, हिंदू अकलियती बिरादरी से इनका ताल्लुक है, ये पंजाब कॉलोनी से पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की इज्तिमाई शादियों में शरीक होकर दूल्हा नंबर दो ये अपनी दुल्हन के साथ यहाँ मौजूद है। कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पेड़ों की रस्म का जो एहतमाम किया गया है, कैमरा मैन से मैं कहूंगा वो दिखाए आपको कि वो जो रस्म और रवाज है इनके सनातन धर्म के मुतालिक वो तमाम रस्म और रवाज के मुताबिक ही इनकी फेरों का एहतमाम जो है चंद ही देर बाद उसका आगाज कर दिया जाएगा। सनी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने ये यहाँ पे इस पंडाल में जो सेहरा सजाया है 50 शादियों का उसमें आप भी ये खुश नसीब दूल्हा है, क्या 15 साल से जो शादियां हो रही है उनमें पहले भी आपके कभी रिश्तेदार दोस्त अजीब अकारब की किसी की शादी हुई यहाँ पे आपके अलावा? दोस्त की हुई है। अच्छा, उनको देख के आपने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई? जी जी जी। आप बहुत खुश है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इस इकदाम के मुतालिक? जी सर। तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के जो चेयरमैन है डॉक्टर रमेश कुमार जो के एमएनए भी है और वो ये एहतमाम जो करते हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी उनकी मोहब्बत और उनके खुलूस से आप कितने मुतासर हैं? सर हमें बहुत अच्छा लगा। मुतासर है आप? तो आप डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और उनके टीम के मुतालिक क्या कहना चाहते हैं? जी सर,
आपको ज्यादा बहुत अच्छा लगा जिसकी फैसिलिटी अच्छी थी, हर चीज हर चीज। जितने भी आपके रिश्तेदार यहाँ पे आए वो बहुत खुश महसूस किए जा रहे हैं जी सर, हर चीज का अच्छा है इंतजाम किया हुआ है जी। अल्लाह उनका और ज्यादा दे इनको और दुआएं हमारी तरफ से उनको, और गरीबों के लिए और कुछ अच्छा करें हमारी तरफ से। थैंक यू। मैं अगर आपकी होने वाली वाइफ अगर उनके बदले में कोई पूछना चाहूं तो आप इस चीज की इजाजत देंगे? क्या नाम है आपकी धर्मपत्नी का? कृपा कल्पना। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सनी दुल्ला के साथ, यहाँ पे इनकी जो वाइफ है होने वाली चंद ही लम्हों के बाद ये सनी की वाइफ हो जाएंगी और ये रिश्ता अज़दवाज में मंसलिक हो जाएंगी। मैं कल्पना से मुखातिब हूँ। कल्पना आपको एडवांस शादी की मुबारक हो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से ये जो इज्तिमा किया गया शादियों का, इज्तिमाई शादियों की इस तकरीब में शरीक होके आपके जो दूल्हा है, आपके जो होने वाले हस्बैंड है, आज अभी जो आपके एक घंटे बाद आपके हस्बैंड हो चुके होंगे उनके साथ यहाँ पे मौजूद है। बहुत अच्छे तरीके के जो इंतजाम किए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है, आप इन इंतजाम से मुतमैन है? और डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने जो एहतमाम किया उनके लिए क्या कहना चाहती है? और आप अपने दूल्हा के साथ यहाँ पे शरीक है तो आप जो यहाँ पे तैयारियां की गई है खाना पीना और यहाँ का एहतमाम जो यहाँ पे उन्होंने सर्विसेज मुहैया की है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने, आप इनसे बहुत ज्यादा मुतासर हुई है? चले जी शुक्रिया। मैं यहाँ पे दूसरे दूल्हा के साथ यहाँ पे मौजूद था, आपने देखा बहुत ज्यादा रश पाया जाता है और तमाम दर मेहमान नाने गिरामी यहाँ पे मौजूद है और इस दरमियान में तीसरे दूल्हा और चौथे दूल्हा के पास मैं मौजूद हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं तीसरे दूल्हा के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे क्या हाल है आप खैरियत से हैं? आपका नाम? भरत। भरत प्रकाश। प्रकाश क्या हाल है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से जो यह शादियां की जा रही हैं उन शादियों में आपने रजिस्ट्रेशन करे, क्या आपसे पहले भी किसी ने आपके रिश्तेदारों ने इस शादियों में शिरकत की और इन्हीं शादियों के सिलसिले के अंदर शादी की? जी। वो कहने का मकसद है जो 15 साल से डॉक्टर रमेश कुमार वांगवानी साहब ये सिलसिला लेके चल रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझते हैं कि ये आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा और इस तरह की शादियां और ये मामला चलते रहेंगे? बिल्कुल। तो डॉक्टर रमेश कुमार वांगवानी साहब और सरपरस्ती आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद होती है, उन्होंने जो जब भी कोई ये प्रोग्राम किया आप लोग शरीक होके उनको दुआएं भी देते हैं और उनके तमाम तर प्रोग्रामों में शरीक भी होते हैं और इस शादी के इंतजाम जो डॉक्टर साहब ने किए हैं आप उससे कितने मुतमैन हैं और कितने खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब के लिए कुछ दुआएं और नेक तमन्नाएं देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की शादियां होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। चले ठीक है, आपके तमाम तर रिश्तेदार पहले भी शादियों में हिस्सा ले चुके हैं? बिल्कुल जी। आपके धर्मपत्नी का नाम क्या है? आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? हिना। हिना। मैं यहाँ पे भी मौजूद हूँ प्रकाश की वाइफ के साथ, हिना के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं चंद लम्हों के बाद हिना इनके रिश्ता अज़दवाज में मंसलिक हो जाएंगी और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से बनाए गए इस शादी के पंडाल और इज्तिमाई शादियों की तकरीब में आप देख सकते हैं कि इनकी ट्रेडिशनल रस्मों रवाज और रीतों रवाज जो कि सनातन धर्म की इनकी जो रवायतें हैं उसको बरकरार रखते हुए तमाम रसूमात को पूरा करते हुए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने हर रसूमात और हर तकरीबात का खास ख्याल करते हुए उन्होंने अहतमाम किया और यहाँ पे तमाम दूल्हा दुल्हनें यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी खुशी पाई जाती है और इनके लम्हात खुशी के इस तरह के हैं कि हर वक्त हर पल ये जो है ना डॉक्टर रमेश कुमार और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और उनके तमाम मेहमान के लिए नेक ख्वाहिशात और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे MPMNA और इस तरह के सरबराह जो है वो ऐसी खिदमत करते रहे। शुक्रिया, मैं आपसे दूसरे लोगों से मुखातिब कराता हूँ। आप क्या बताना चाहती है कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के जाने से जो यहाँ पे शादियां की गई है उन शादियों में आपने शरीक हुए, इससे पहले भी आप शरीक हुए, किस तरह डॉक्टर साहब आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं? अच्छा, आप खुश हैं यहाँ पे आपकी शादी में? आपको डॉक्टर रमेश कुमार साहब की जानिब से मुबारकबाद भी देता हूँ और आपके यहाँ पे जो भी रिश्तेदार हैं तमाम लोगों ने बेहतरीन तरीके से खाना भी खाया, चाय भी पी और आपको दहेज भी दिया जाएगा जो कि एक बेहतरीन किस्म के दहेज बना है। दहेज की तरफ भी मैं लेके जाऊंगा जो कि गरीब खानदानों के लोग शादियां तो करवाते हैं दहेज नहीं देते हैं लेकिन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने ये सेहरा भी उठाया है और वो आपको दहेज भी दे रही है। क्या आपको पहले जो शादियां होती है उनमें बहुत ज्यादा दहेज मिलता है? अच्छा, तो आप ये मुझे बताएं कि दहेज के साथ साथ यहाँ पे खाना पीना और
तमाम तर जो आपकी रस्म और रवाज है उनको भी पूरा किया जाता है। तो आप डॉक्टर रमेश कुमार के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर रमेश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि दूल्हा और दुल्हन की बहने बहने भाभियां और इनके बच्चे और भी शरीक है, ये इस की दुल्हन की अम्मी है, मैं इनसे भी आपको जो है ना वो शेयर करता हूँ। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब, बहुत गरीब लोगों की लड़कियों की मदद करें, और बहुत मैं बहुत इसको दुआ देती हूँ सब बच्चों के। जैसा कि नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुल्हन की वालदा यहाँ पे मौजूद है, इनके जज्बात के साथ ये आप दीदा हो गई हैं कि डॉक्टर रमेश कुमार और उनकी टीम सरपरस्त आला हिंदू काउंसिल और तमाम तर हिंदू काउंसिल के लोगों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते करते आप दीदा हो गई है, और इनके जज्बात जो है वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से इजाजत दूंगा, दूसरे दूल्हा की तरफ जाने रवा होऊंगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मयूर। मयूर, क्या हाल है आपके? आपको एडवांस में शादी मुबारक हो, एक घंटे के बाद आप दूल्हा बनने जा रहे हैं। भाभी आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। आप यहाँ पे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जो इज्तिमाई शादियाँ हो रही है उसमें आपने जो रजिस्ट्रेशन कराई, उससे पहले क्या आपके कभी किसी रिश्तेदारों ने भी कराई? नहीं। अच्छा, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं कैमारी से। अच्छा, कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कराची के इलाके कैमारी से ताल्लुक रखते हैं, कैमारी से ताल्लुक रखने वाला एक नवबराता शादीशुदा जोड़ा यहाँ पे मौजूद है, उनके मैंने ख्याल आपसे शेयर किए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी खुशी का एक समा बयान नहीं कर सकता कि इतने सारे लोग हैं, गिनती और तादाद से ज्यादा यहाँ पे लोग मौजूद पाए जाते हैं, और आप देख सकते हैं सनातन धर्म की तमाम रीतों रस्मों और ट्रेडिशंस और रवायत के तहत इन शादी के तमाम तर मामला जो है वो तय पाए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे दूल्हा की बहन और यहाँ पे वालदा और उनके दूसरे अजीज वकारिब मौजूद है, उनसे भी मैं जरूर ये पूछूंगा कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इस इज्तमाही शादियों के जो तकरीब है उससे आप कितने मुतमैन और मुतासर हैं? इस तरह की शादियां जो है ना गुज़श्ता 15 साल से होती रहती हैं, और इनके कई सारे लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे माजी में कई रिश्तेदारों ने इन शादियों में शिरकत की और इसी रजिस्ट्रेशन के तहत शादियां भी करवाई हैं। बहन, आप इनकी दुल्हन की क्या लगती है? मैं दुल्हन की चाची सास हूँ। अच्छा, आप इनकी चाची सास हैं, आप यहाँ पे बहुत खुश पाई जाती हैं इनकी शादी के मामले को। अच्छा, ऐसा कैसा महसूस नहीं हो रहा है कि आप किसी शादी हाल में बैठे अपने तौर पे शादी कर रहे हैं? ये कोई इज्तमाही शादी नहीं है, ये 100 शादियां नहीं किसी एक दूल्हे की, हर आदमी अपनी अपनी खुशी में अलग से मशगूल पाया जाता है, ऐसा महसूस करती है? ये सिर्फ महसूस हो रहा है कि मेरे बेटे की शादी है। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और उनके सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश साहब इस तमाम तरह एहतमाम जो है वो अपनी सर अंजाम खुद देते हैं, अपने बलबूते पे ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आप उनके लिए नेक ख्वाहिशात दुआएं और उन किस तरह का उनके लिए प्यार करेंगे? वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितनी भी हिंदू बरादरी है या कोई भी कौम है उनके लिए सबसे ज्यादा जैसे अच्छा ही कर रहे हैं वो लोग। चले, मैं आपकी इस बात को जो है पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले तमाम हिंदू कम्युनिटी को मैं ये जरूर शेयर करूंगा, और जैसा कि अभी शादियों के बाकायदा रस्म जो है वो फेरे उनका आगाज कर दिया गया है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंडाल में मौजूद है और इस पंडाल में बैठ के शादी की बाकायदा रस्म जो है वो स्टार्ट कर ली गई है। हाथ मनी पीने के लिए, स्नान के लिए 4 बार ऐसे गणेश जी को 4 बार पानी जो वो गणेश जी को तिलक लगाना, पानी का जैसे तिलक लगाते ऐसे पानी का सोपारी को तिलक लगाना। ओम और यहाँ पे गरीब हिंदू लड़के और लड़कियों की शादियों की तकरीब जो है वो जारी है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग चुके हैं और पाकिस्तान रहने वाले हमारे मोहतरमा है, हमारी बुजुर्ग खातून 96 साल की उम्र में यहाँ पे आके किया है कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इस समा में शरीक हो के और गरीब हिंदू
जोड़ों की जो नई शादियां हो रही है वो आशीर्वाद का इजहार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पंडाल में सिक्योरिटी और उस सिक्योरिटी के साथ खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर रमेश कुमार साहब फील्ड में पहुंच चुके हैं और उन्होंने शादी की एक तकरीर जो है वो शुरू में बाकायदा तौर पर उनका आगाज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि वो फेरों में मौजूद है। पूजा के मंडप में जो भी चप्पल या जूते पहन के बैठे हुए हैं मेहरबानी करके वो उतार दें, क्योंकि जूता पहन के हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते। जो भी मंडप में बैठे हुए उनको जूता उतार के दूल्हा दुल्हन खास करके और जो उनके माँ बाप हैं उनको जूता उतार के मंडप में बैठना है। पानी जी तो ला निकली है। गणेश के ऊपर अगरबत्ती का धूप और दिए का धूप करना है। ओम गुरु दर्शयामि ओम दिव्य दर्शन शुभा गणपति नमः दीपम दर्शयामि। आपके पास मिश्री बनी हुई है, मिश्री भी पड़ी है, वो आप गणेश जी को नैवेद्य के लिए आपको चढ़ानी है। ओम नारायणी पर गणपति नमः नैवेद्यं समर्पयामि। ओम इलायची उधर पड़े वो भी आप उसको गणेश की सुपारी जो होती है उसको चढ़ा दो। लौंग और इलायची वहां पे पड़े हुए हैं वो भी गणेश जी को चढ़ा दो। ओम मैं अपना कुमार जी नमः गणपति मुखार्ता मूला भूमि पर समर्पयामि। दक्षिणाम समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि गांव में भेज दे पीछे दक्षिणा। तो यहाँ पे क्या होता है एक तो पांच प्रकार की पूजा की जाती है और एक की 16 प्रकार से पूजा होती है। तो यहाँ हमने जो की 16 प्रकार की पूजा की है। 16 प्रकार में पहले आवाम माने बुलाना, फिर उनको बुला के आसन देना, आसन के बाद पांव बुलाना, फिर अर्घ देना, फिर उनको जो है आत्मनि जल खिलाना, फिर स्नान कराना, स्नान के बाद वस्त्र है, यज्ञोपवीत है, तिलक है, चावल है, फूल है, अगरबत्ती है, दिया है, उसके बाद नैवेद्य मैंने प्रसाद चढ़ाना मीठा भी जैसे इधर हमने मिश्री चढ़ाई है, उसके बाद लोगों मिला की सुपारी मकवास कहलाता है वो चढ़ाना, हमारे पास चढ़ाना हमें जो हमारी श्रद्धा होती है भगवान को नहीं मिला हमारे वितरण के बाद जो आपकी श्रद्धा है अगर आपने नहीं दी तो जो जो आपका दिल करे वो भी करा दे। उसके बाद प्रार्थना गणेश देवता की प्रार्थना है, आप हाथ जोड़ करके गणेश की प्रार्थना करें जो हमारा कार्य है वो सबका सफल हो। ओम विघ्नेशवरनाथ नमो नमस्ते भक्ति नाथ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्पा निविदिन गुरुमदेव सर्वकार्यसु सर्वदा ओम भूर्भुवस्वः निविदितता चिरमा गणपते नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। गणेश के जल चाड़ो भाई तमारी 16 प्रकार पूजा कई सब पूजा स्वीकार कर दो। गणेश जी को नमस्कार करें और जो पूजा हमने की है वो कहेंगे स्वीकार करें। अभी वहाँ पे एक 16 खाने बने हुए हैं पाठ के ऊपर मंडप में 16 खाने होते हैं देवियों के, वो 16 मातृ का कहलाता है, 16 देवियां होती है उसमें, उनकी उनकी पहले पूजा करेंगे जिसमें आपके कुलदेव भी शामिल है, माने जो कुलदेव का है उसके भी खाना उनका होगा, तो एक आसन उनका भी है, तो 16 ये देवियों के साथ कुल देवी का भी आसन है अपनी जो जिस
भी है उसका नाम लेके उधर एक सुपारी रखी हुई है मंडप में 16 खानों के बीच में, आपको उनकी पूजा करनी है। ये भगवान सुपारी भजन को उनके पानी लगाना, तिलक करना, चावर है गुल जी पति चाहिए। 16 सुपारी वहाँ पे पड़ी हुई है जो हम जिनको हम अपना देवता मानते हैं, अब उनकी पूजा करनी है। पानी का एक कतरा लेते हुए पानी जो सिद्धांत जला है वो पानी का एक एक कतरा पानी के तिलक लगाए फिर वो ये तिलक गुलाल वालों तिलक लगाए तो वो चावर गुल अगरबत्ती लिए निवास पानी के बाद चावल और गुल उसके बाद पहले जल चढ़ाना है, पानी का तिलक करना है, फिर चावल रख चढ़ाना है, फिर वहां का अगरबत्ती दिया घुमाना है और तिलक करना है। तिलक पड़ा हुआ है वो तिलक करना है। जो सुपारी पड़ी हुई है एक सुपारी 16 मातृका की है, मंडप में एक 9 ग्रह की है। ओम कुल देवी हिंगलाज माता गणेश ओम गौरी पद्मसती वेदा सावित्री विद्या जय देवसेना सदा सहा मातृ लक्ष्मी विष्णु कुश कुल नेत्र मातृ का ज्योतना वो अगर ये बात दिए जो ये बोले ऐसी पूजा सोरंजी देवता देवतान की खीर में तो वो अगरबत्ती जो वास दूध देणो आ अगरबत्ती जो दिए जो ओम ओम ब्रह्माय महेश्वरी कौमारी वैष्णवी बारह जगुन सतमर्ण प्रथम छायल पुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम तेन घंटे कुष्माणी चतुर्थम पंचम अस्कंद माति षष्ठम कात्यायनी प्रथम कालरात्रि महाभरिताष्टमम नमोम सिद्धिराधि नव दुर्गा प्रकटिता ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपाणं दुर्गा शमादादि सोता स्वाहा नमोस्तुते पत्र पुष्पम फलम तम रत्नानि रूपम देहि जयम देहि भाग्य भगवती देहि में पुत्रान देहि धनं देहि पर काम और प्रसन्न में सोल मातृका गो नमः आवान सिना जन मक्षांत में कृष्ण रूपम आग्रह मन प्रेताम नमः। फिर 16 देवियों की पूजा होने के बाद एक सुपारी हमें 9 खाने जहाँ बने हुए हैं वहाँ 9 ग्रह है, तो 9 ग्रहों को आपको पूजा सुपारी रखी हुई है उसके आपको पानी का तिलक लगाना है, दूसरा तिलक लगाना है, जो चावल चढ़ाने अगरबत्ती दिए का धूप देना है। पहले सूर्य देव ओम कृष्ण रजास वर्तमान पाठ मत रखे हाँ गणेश के सामने हो ओम दसी नोर्वाद विषय दास
ओम पया पृतवाद पयो खदेशोर संतु मंतु विष्णुंद्र विष्णुमति विष्णुमे तवा ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता भस्मो देवता रुद्रो देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विष्णु बृहस्पति वरुण देवता ओम देव शांति लक्ष्मी शांति पृथ्वी शांति शांति आपा शांति लोकदाय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सा महाशांति ओम और सब उसको बोलेंगे अपना नाम उसको बोलना है अपनी बात जो है कास्ट माने सरनेम जो भी है उसकी वो उसको बोलना है और अपना नाम बोलना है ये संकल्प है भूले हो कि पानी लेना हाथ में कि मैं विवाह का जो ये काम है वो पूरी विधि से करूंगा ये उसको संकल्प करना है इसलिए भूले को जैसा कि आप आ सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के शादी के काफले में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतरीन तरीके से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की इंतजामिया ने सर अंजाम दिए और ये सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे पंडाल में मौजूद है इसलिए मौजूद है कि यहाँ पे कोई खुलाना कुछ गड़बड़ किया या सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई भी मामला है तो उसको ये लोग देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे बाकायदा तौर पे शादी का एहतमाम शुरू हो चुका है और ये शादी की तमाम तर रसूमात जो है वो शुरू हो गई हैं और ये पाक शादियों का दूसरा मसला है बरला है। पहले मरहले में कौमी तराना और इनकी तमाम तर दूल्हा और दुल्हन के लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात और दुआओं का सिलसिला जारी था। दूसरा सिलसिला अब ये शादियों का जो बाकायदा आगाज है वो फेरों से शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे वेडी जो है वो शुरू हो चुकी है। दूल्हा और दुल्हन यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है और इनके तमाम रिश्तेदार अजीज वकारब यहाँ पे मौजूद है। ओम बहुत पूरे से परमेश्वर करते थे विवाह कर्म ज्ञात करें जैसा कि देख सकते हैं कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की इंतजामिया ने किस तरह यहाँ पे फराइज सर अंजाम दिए हैं। मंडप नंबर आसन की शादी हो रही है केमी के साथ और ये दुल्हा आसन और केमी इस पंडाल में मौजूद हैं जो कि मंडप कहा जाता है। महाराज को अपनी जो सनातन धर्म की रस्म रवाज है रवायत है और महामंत्र है उन महामंत्रों के उच्चार के बाद उन महामंत्रों के संसार के बाद यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनकी शादी की तकरीबात का आगाज करा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दूल्हा और दुल्हन मौजूद है। ये वो रीतो रस्म और रवाज हैं जिनसे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की तमाम तर शादियां की जाती हैं। चप्पलू लाए पाए जैसे कि ये भी दुल्हा है और ये अपनी फैमिली के साथ और अपने रिश्तेदार अजीज वकारब के साथ यहाँ पे शरीक है। इनके दुल्हन घूंघट में और ये दुल्हा सहरे में यहाँ मौजूद है। इनके सहरे और दुल्हन के घूंघट से ये महसूस होता है कि इनकी खुशी का समा जो है वो ना काले बयान है। जो आपने कपड़ा रखा है उसका चेहरा जो है लड़की के चेहरे से उसका बांधना है उसको गठबंधन बोला जाता है। उमेश चेहरा छोड़ी को छोड़ी और गठबंधन जो है तो दूल्हे का कपड़ा और रहते हैं और दुल्हन का जो दुपट्टा है हम तो दोनों में समझा रहे हैं ना कि भाई गठबंधन भी बोलते हैं छेड़ा छेड़ी भी बोलते हैं पल्लो भी बोलते हैं हर जबान में आपको समझा रहे हैं और आपस में बांधे हैं ताकि ये जिंदगी भर ना टूटे। कुछ दवा में समझा ना जिंदगी
ओम समजन को विश्व देवानंदन मातृष्ण तदातु नाम गणापि नमस्तु मालक्ष्म पठि ग्रंथ करोमि हम। दूल्हे के जो सीधे तरफ का जो छेड़ा है तो दुल्हन की सीधी तरफ का जो छेड़ा है उससे इसको बांधना है, इसको गठबंधन बोला जाता है। दूल्हे दूल्हे जो जो सीधे तरफ जो छेड़ो आ वो दुल्हन जी के सीधे तरफ के छेड़े साथ बढ़ेगा। आगे मना आगे गठबंधन पल्लव छेड़ा छेड़े जो भी आपने बांध लिया है तो उसके बाद लड़की के जो पिता माता है दोनों उनको हाथ में जल लेना कन्यादान के लिए, कन्यादान के लिए संकल्प लेना है, हाथ में जल लेना है। लड़की के माता पिता हाथ में जल ले लें। अमुक गोत्र अपना जो गोत्र है सरनेम है जात है जो बोल के अपना नाम बोल के माता पिता अपना नाम बोले कि भाई मैं कन्या का दान कर रहे हैं। हम लोग क्षत्रिय ब्रह्म ब्रह्म लोक का पते कन्या दान का पते लक्ष्मी नारायण तृतीय कन्या दान करी छे गणेश यज्ञ विधि करोड़ा का जल के द्वार गणेश जी बता दीजिए अब अभी इसके बाद कन्यादान के बाद हस्तमेलाप, हस्तमेलाप माने लड़के का सीधा हाथ लड़की के सीधे हाथ में देना है, उसको पानी ग्रहण बोला जाता है और हस्तमेलाप भी बोला जाता है। हम हिंदी में बोलेंगे हत्यालो, हिंदी में बोलेंगे हत्यालो, सिंधी में चवंदा आहिनि इनखे हथालो। घोट जो हथ सॼे हथ वारो ऐं कुंवार जो साॼो हथ ॿई मिलायो, मिलायो सीधा सीधा हाथ लड़के का सीधी हाथ सीधा हाथ लड़की का दोनों का सीधा हाथ होना चाहिए। वो मिला के ऊपर जो भी आपके पास रुमाल या कपड़ा है उससे उसको ढक दे, उसको बांध दे हाथ को, अठालो बधी करे उनके मथा पानी जो भी अगर रुमाल आए या को कपड़ो आए वो उनके मथा बधी छो। अभी तेल जाओ जो वहां भरे हुए हैं मंडप में उसमें थोड़ा सा घी मिला के आप रखें तैयार और फिर हवन, उसके बाद हवन में अग्नि को प्रकट करें, अग्नि जलाएं, अगरबत्ती से आप उसको लकड़ियों के नीचे लगाएंगे तो आग जलेगी, थोड़ा सा घी भी लकड़ियों के ऊपर डालें और थोड़ा तिल जो पहले तिल जो में पहले घी मिला लें, तिर जव तवे प्यारे मंदिर से तिर जव घी उन तीन शयों मिलाओ, मिलाए करे तो जिते अग्नि तवे टेबल से पड़ी है जी दिल भाई जी हाँ उनके अगरबत्ती से जलाओ, उनके बारो उनमें घी विझी अगरबत्ती या दिए से मारो थोड़ा थोड़ा घी थोड़ा थोड़ा अग्नि में घी विझिए ताकि धूल न थे,
थोड़ो थोड़ो गेट जी मत जरूर जेस ताई हवा हलंदो हे ताई गी विझणो आहे जेस ताई हवा जो हलंदो वस्तो थोड़ो थोड़ो गी विझणो आहे जब तरह तव्हां जा तयार थी वेन तो हवन स्टार्ट थियो हमने हवन स्टार्ट ते ती जब तरह गी मिले उन हवन में सुहा कबो हमने सुहा सुहा बोलेंगे उस वक्त तिल जाओ भी डालना है और थोड़ी घी क्या होती भी देनी है लाइव अलै भी बैटरी गतरी बची है बैटरी चेक करो रखा नहीं पान का पिज्जा इन के जय बंसी बिहारी जय राधा गोविंद जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय बंसी बिहारी हमने परंपरा रखते हुए हमेशा अपने धर्म के हवाले से जितने भी गए उनको हमारी गाड़ी लिस्ट के अंदर पहला पहला रूप होता होता है भगवत गीता का मेहरबानी करके जो लोग जो धोरे जो पहले भगवत गीता का पाठ नहीं करते हैं उत्तम शेखर महाराज जो अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं वो कल सुबह से जैसे अपने घर के जब सुबह उठे ना धोके अगरबत्ती भगवान जी को उसके भगवत गीता के पाठ से अगर जिंदगी शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज हमारा मकसद जो है कि कृष्णा भक्ति कम से कम जो लोग हमारे जो भटक गए हैं जो बच्चे कर्म हो रही है ये जितने उसके अंदर माँ बाप का भी किसूर है भूलते हैं कोई पूछता है मैंने एक रेडियो देखी तो भाई हमारा भगवान कौन सा कृष्ण भगवान हमारा भगवान है मेहरबानी करके अपने मन को साफ करने के लिए सही रास्ते पे आप सुबह सुबह भगवत गीता का पाठ करके आगे बढ़े मेहरबानी महाराज हवन स्टार्ट कर दो अभी सबने अगर अपनी हवन की अग्नि जला ली है अग्नि अगर जला ली है तो हम अभी मंत्र पढ़ेंगे जब स्वाहा बोलेंगे उसमें ये दो उंगलियां जो बीच की हैं इसको एक मिडल फिंगर और रिंग फिंगर माने एक अनामिका बोला जाता है और एक मध्यमा बोला जाता है ये दो उंगलियां जो बीच की हैं और अंगूठे के साथ आहुति के लिए इस तरीके की मुद्रा होनी चाहिए और यूं आहुति डालना और थोड़ा सा इसमें लेना है क्योंकि हवन कुंड जो होता है भगवान का मुख होता है और भगवान का मुख में हम लोग हम अपने मुख में कितना खाना डाल सकते हैं जितना हम लोग खा सकते हैं इससे ज्यादा हम लोग डालेंगे तो हम लोग को स्वीकार नहीं होगा हम नहीं खा सकते इसलिए हवन कुंड में भी थोड़ा थोड़ा ही हमें डालना है ताकि और जब हम स्वाहा बोलेंगे और आपको जब भी डालना है और स्वाहा भी बोलना है अग्नि सबने धारे छड़ी है सबने होके आए सबने अग्नि जला दी है अभी हवन स्टार्ट कर रहे हैं जैसे ही महाराज स्वामी स्वाहा बोले आपके पास जव तल जो घी के साथ मिले हुए वो आपको स्वाहा करके मिडिल और रिंग उंगली से डालने हैं थोड़े
भाई विची आंगरी एंट्री आंगरी वडी आंगरी जो विच वाली वडी आंगरी आवा और नंदी आंगरी जो सफा नंदी आंगरी के पासे में आ जेमा तिलक पान कंदा है तो ये बा आंगरी जो आ आउती जी हुंदी है उन्हें जिन्हें याद करेंगे सबको वो जगह जाऊंगे ठीक हुई है ओम शुरू करो जरूर ओम तवाग्ना दर्शन पर प्रमद्यम स्वाहा ओम तवाग्ना दर्शन ये दिन स्वाहा प्रजापते स्वाहा प्रजापते नमः ओम अग्नि सृष्टि कुते स्वाहा सृष्टि कुते ओम अरिचान शतम शतम महापारोतम तस्मय स्वाहाय ओम स्वाहा शतम स्वाहां गंधर्वाय ओम गंधर्वाशनाम तांबे स्वाहां अरिषद आयुष गोभ्य ओम सुतमशतमृतपादस्म तस्मै स्वाहाय ओम सुपुणातम शतम तस्मै स्वाहा की आप देख सकते हैं कि इस वक्त दूल्हा नंबर एक जो है जिनका नाम है रोहित और भाई का नाम है राधिका इनकी शादी की रस्मात जो है वो शुरू कर दी गई है। पहली शादी की रस्म जो है राधिका और रोहित की वो शुरू हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये हवन भी हो रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्तार डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने इस पहली शादी की जो शुरुआत है वो रोहित और इनकी रोजा के साथ ये पहली रस्म का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया है। ये दूसरा मरल्ला है और आप देख सकते हैं इसी तरह मरल्लेवार यहाँ पे महाराज और उनकी लड़की और लड़के के वालिदैन भी मौजूद है। हिंदू रस्म और रवाज और सनातन धर्म की रस्म और रवाज के तहत तमाम तरह शादियां यहाँ पे सर अंजाम पाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम तरह वीडियो और तमाम तरह जो इस प्रोग्राम के नजर दिए हैं वो हम आपसे शेयर करें। आप देख सकते हैं कि ये दूसरे दूल्हा है, ये दूल्हा नंबर दो जो है जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इस इज्तमाही शादी के दूल्हा नंबर दो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे सनातन धर्म की रीतों रस्मों और रवाजों के मुताबिक अपनी शादी की रसूमात को अदा कर रहे हैं और इन रसूमात में दूल्हा और दुल्हन के वालदेन और वालदा भी शरीक हैं, इनके बहन और भाई भी शरीक हैं। आप ये देख सकते हैं जैसा कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार वानवानी साहब इस रस्म की जो बुनियादी हवन है उस बुनियादी हवन में स्टेज पे खुद विराजमान है और उन्होंने वहां से आउटियां लेकर इस रस्म और रवाज का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया है। आप देखें कि किस तरह यहाँ पे लोग मौजूद हैं और यहाँ पे खुशी का समा है और आप ये देखेंगे दूल्हा और दुल्हन नंबर तीन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की इस इज्तमाही शादी के नंबर तीन दूल्हा जो है वो सनी कुमार और उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी इनके साथ मौजूद है और ये सनातन धर्म की तमाम रीतों रस्मों और रिवाजों के मुताबिक अपनी खुशी के साथ इन रीतों रस्मों में शरीक होके सनातन धर्म की इन शादियों में आप देखेंगे कि किस तरह रवायतों और रीतों और रस्मों का ख्याल रखा जाता है। आप ये देख सकते हैं कि तमाम वही रीतें रस्में जो सनातन धर्म में बताई गई है उन रीतों रस्मों के मुताबिक पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला रमेश कुमार वांगवानी साहब और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के फोरम से इतना बड़ा शादियों का इज्तिमा है। जैसा कि आप देखेंगे कि मुझे कवर करने में भी एक
दुश्वारी का सामना है, इस तरह लोग यहाँ पे मौजूद है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई इज्तमाही शादी नहीं, किसी प्राइवेट मार्की में और बड़े पाकिस्तान पंडाल में आप देख सकते हैं किस तरह दूल्हा दुल्हन उनके रिश्तेदार अजीज व अकारिब मौजूद हैं। और ये वही रीतो रस्म और रवाज जो कि सनातन धर्म हिंदू धर्म की बुनियादी रस्में और रीते हैं, उन्हीं रीतों रस्मों के तहत दूल्हा नंबर चार जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नंबर इनको फराहम किया गया है, उनकी भी शादी की रसूमात शुरू हो चुकी है। आपने ये देखा और इनके तमाम का रिश्तेदार जो कि मैं आपको पहले दो से तीन दूल्हों को आपसे बुलाता हुआ आया हूँ और आप ये देख सकते हैं दूल्हा नंबर पांच यहाँ पे अपने होने वाली पूजा के साथ खावन अपने सनातन धर्म में बताई गई तमाम का रीते रस्में और रिवाजों के मुताबिक यहाँ पे शरीक हुए हैं और इनके तमाम तर रिश्तेदार तमाम तर भाई बहन बुजुर्ग और इनकी बहन बेटियां यहाँ पे बैठ के उनको आशीर्वाद भी दे रही हैं और इस खुशी के समान शरीक होके उनकी नई जिंदगी शुरू जो होने जा रही है उसके मुतालिक उन्होंने दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आप ये देख सकते हैं और इसी तरह दूल्हा नंबर सात को भी आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन नंबर फराहम किया है और ये दूल्हा और दुल्हन एक खास रवायती तलवार नुमा कटारी लेके बैठे हुए हैं। ये इनके धार्मिक सनातन धर्म से मुतल्लिक आप अगर इनसे पूछेंगे जैसा कि मैंने पूछा था कि सनातन धर्म में इस कटारी का शादी से मनसलिक होना एक बहुत बड़ी रवायत और रिवाज है, तो आज इन्होंने अपने आबा अजदाद की इस रवायती तलवार और कटारी को लेके यहाँ पे बैठ के इस शादी के मंडप में शरीक होके और अपने ये बाकायदा तौर पे आप देख सकते हैं कि फेरों का आगाज हो चुका है। मैं आपसे ये फेरे जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, वक्तन ब वक्तन एक दूल्हे का फेरा लेना और फिर दूसरे का और फिर तीसरे का, मैं आपसे ये जरूर शेयर करूंगा, आप देखते रहे। यहाँ पे दूल्हा नंबर सात मौजूद है जो कि सनातन धर्म की रस्मों रिवाज और रिवायतों को पूरा करते हुए अपनी जिंदगी की शुरुआत का पहला फेरा लेने जा रहे हैं। इनके वालिद साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत अपने सर पे बेहतरीन किस्म की पगड़ी तन किए हुए हैं और इनका एक बेहतरीन दूल्हे से ज्यादा इनके चेहरे पे है और ये एक किसी ना किसी समाजी रवायत और रस्मों से गुजर के यहाँ पे पहुंचे हैं। आप ये देख सकते हैं इनके चेहरे पे किस तरह खुशी लाई है और ये आपने देखा कि यहाँ पे वेडी की तकरीब जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है और महाराज स्वामी पंडित जो है वो अपनी जिम्मेदारी रश में आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से जो तकरीब कराई गई है इस तकरीब में दूल्हा और दुल्हन बाकायदा तौर पे अभी फेरे लेने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी से चंद ही लम्हों के दरमियान एक ये पहला फेरा लेंगे जो कि सनातन धर्म हिंदू धर्म में ये एक रीत है। फेरे लेने के बाद आप रिश्ता अज़दवाज में मनसलिक हो जाते हैं और इस वक्त दूल्हा और दुल्हन फेरों की तैयारी में है। अभी से चंद लम्हों के बाद इनका पहला फेरा जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह दूल्हा और दुल्हन ने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की इस इज्तमाही शादी में फेरा लिया और अपने रिश्ता अज़दवाज में मनसलिक हुए और अपनी नई जिंदगी के आगाज का जो है वो पहला दिन था इनका और वो आज बहुत इंतहाई खुश अखलूबी और खुशी और पुरजोश तरीके से गुजर चुका है। और जैसे गाड़ी का वीडियो बंदी होगा आपका सारा मैं बीबीसी पे चला नागरिक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से इज्तमाही शादियों का बाकायदा आगाज अभी से कुछ ही देर पहले हो चुका था और आप ये देखें कि इस वक्त दूल्हा और दुल्हन पहला फेरा ले रहे हैं और ये पहला फेरा सनातन धर्म हिंदू धर्म की वो बुनियादी
आप उसको कह सकते रुपन है और ये बुनियादी रस्म है जो रिश्ता है अजदवाज के लिए जिसका ये एहतमाम किया जाता है। शादी के लिए सबसे अहम तरीन रस्म होती है जैसा कि निकाह होता है हिंदू रस्म और रवाज के तहत इन्होंने अपने निकाह का पहला स्टेप जो है वो ले लिया है। आप देख सकते हैं और किस तरह यहाँ पे इनके रिश्तेदार खुशी में मशगूल हैं। ये दूल्हा है हमारे सामने, ये दूसरा फेरा ले रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको दिखाता चलूं कि ये मुसलसल एक लाइन में करीब कम बेश 20 दूल्हा और दुल्हन का पंडाल लगाया गया है। 20 दूल्हा और दुल्हन इसके अपोजिट की तरफ पंडाल लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का यहाँ पे जमे तफील मौजूद है और इस रश में ये जो लोग आए हैं इनके लोग तमाम तरह रिश्तेदार अजीज और कारिब इनको आशीर्वाद इनको दुआएं और नेक तमन्नाओं के लिए यहाँ पे शरीक हुए हैं और इनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तमाम तरह इंतजाम इस पंडाल में मौजूद है। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने फेरों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है और ये आप देख सकते हैं दुल्हन और दूल्हा अपने सनातन धर्म में बताई गई रवाज के तहत फेरे ले रहे हैं। उसके बाद अगला मरला इस इज्तमाही शादियों का ये है कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार साहब अपने हाथों से इनको आशीर्वाद देंगे, इनका कन्यादान करेंगे और ये जितने भी दूल्हा और दुल्हन यहाँ पे मौजूद है ये तमाम दूल्हा और दुल्हन इनके रिश्तेदार इनके करीबी लोग डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और उनके तमाम मेंबरान को नेक ख्वाहिशात के साथ उनकी जो है दराज उम्र और उनकी लंबी उम्र सेहत सलामती तंदुरुस्ती के लिए बहुत दुआएं करते रहे। इनके मैंने ख्यालात आप लोगों से शेयर भी किए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त कई दूल्हा और दुल्हन मौजूद है। कमोबेश 50 दूल्हा और दुल्हन जो है उनकी शादियां यहाँ पे हो रही है। ये सनातन धर्म की वो रस्म है जिसके तहत शादी का बंधन जो है इस 4 फेरों और 7 फेरों के बाद बन चुका होता है। आप ये देखिए ये फेरे संपूर्ण हुए, ये 4 फेरे संपूर्ण हुए हैं। उसके बाद सनातन धर्म में बताई गई रस्मों रवाज और रीतों को पूरा करते हुए ये दूल्हा और दुल्हन अपने रिश्ता में मंसलिक हो चुके हैं। इनको मुबारक भी देता हूं और जैसा कि आपने देखा दूल्हा और दुल्हन यहां पे मौजूद है और ये पूरी के पूरी एक लाइन है 20 दूल्हा और दुल्हन की और जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं आपने भी ये देखा कि ये बड़ा बेहतरीन किस्म का फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम और इसके साथ इंतहाई मोहब्बत और गुर्बत के साथ जो यहाँ के खाने का एहतमाम इंतजाम किया गया। दूल्हा दुल्हन को ये तक ना महसूस होने दिया कि ये इज्तमाही शादी है कि ऐसा माहौल फराहम किया गया पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से कि वो अपने घर में अपने महल में अपने मंदिर में बैठ के एक सिंपल इंडिविजुअल शादी की किसी तकरीब में शरीक है। हर आदमी हर मंडल हर पंडाल में जितने भी लोग मौजूद हैं वो बिल्कुल आजादी के साथ यहाँ पे मौजूद है। ऐसे करो अच्छा रहो जो कटल हो उनके खोले पानी से धोई कर पवित्र कर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे दूसरे दूल्हा और दुल्हन की तरफ जाना था, मैं इसलिए वहां पे जाना चाह रहा हूं कि उनके भी कुछ ख्यालात हैं जो कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने इतना बड़ा इस्तेमाल किया है इन शादियों का जो कि गुज़िश्ता 15 सालों से करते हुए आए हैं। उनसे मालूम करना एक बहुत जरूरी है और उनसे उनके ख्यालात के मुतालिक पूछना भी मेरा फर्ज बनता है। मैं अब यहाँ पे मौजूद हूँ स्टॉल मंडप नंबर 10 में और यहाँ पे जो शादी हो रही है हरेश चंद की और शादी जिनके साथ हो रही है नौमिता के साथ हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन को उनकी नई जिंदगी के शुरुआत पे उनको तरबा अपना पैर ख्वाहिशात और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारकबाद के साथ उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सनातन धर्म की तमाम का रस्म और रवायत के तहत आपने ये देखा कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने
जिस तरह ये शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम किया, इस इज्तिमाई तकरीब में आपने देखा कि ये रस्म व रवाज जैसा कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल गुज़श्ता 15 सालों से इसी तरह से करते हुए आई है, आज भी 16 साल का ये एजाज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने एक कामयाब बेहतरीन शादी के एहतमाम का किया जो कि आज अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। मैं अभी से चंद ही देर के बाद मैं आपको इन दुल्हा दुल्हन के आदमियों ने अपनी जिंदगी का नया आगाज किया है, इनसे ख्याल और इनके विचार आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये दुल्हा दुल्हन अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से आशीर्वाद ले रहे हैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत, नई जिंदगी की शुरुआत की है। जैसा कि आपने देखा इनके रिश्तेदार इनको आशीर्वाद दे रहे हैं और इनको आशीर्वाद इस बात पे दिया जा रहा है कि जो आपने जिंदगी के एक नए रुख का आगाज किया है, भगवान आपको, अल्लाह आपको सदाएं खुशहाल और आबाद रखे। ये एक रीत, एक रस्म है, ये रवाज है, ये आप इनकी खुशी का इजहार देख सकते हैं किस तरह है, कि कहां ये लोग मौजूद है और किस तरह से इन्होंने अपनी खुशियों को दुबला किया है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और इनके सरपरस्त अलावा डॉक्टर रमेश कुमार वाघवानी साहब को मैं बहुत ही बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 50 शादियों के इस इज्तम को सर अंजाम दिया और लोग एक शादी के बाद जो है किसी की करवाने, कन्यादान करवाने के बाद अपने आप को आजाद फील करते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हर साल कम से कम 50 या 100 शादियां करवाते हैं। ये डॉक्टर रमेश कुमार साहब को भगवान इसका फल देगा और डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने जो अपने कंधे पे ये बोझ उठा रखा है, भगवान इनको और सहायता करे, इनको और शक्ति दे, यही बोझ जो है सनातन धर्म की सेवा में इनका गुजरता रहे। माता जी थोड़ा सा लाइव चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं और दूसरे स्टॉल पे आ चुका हूँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जाने से। जो शादियों का प्रोग्राम रचा गया है उसमें शादियां जो है वो पाया तकमील पे पहुंची और अभी रसूमात जो है वो अदा की जा रही है, जिनको मंगलसूत्र पहनाने की रस्म कहा जाता है। आप देख सकते हैं सनातन धर्म की ये शादी के बंधन में बंधने की ये अहम तरीन एक रस्म है। इस रस्म को अभी से चंद लम्हों के बाद अदा किया जाएगा। दूल्हा दुल्हन बहुत ही इंतहाई खुशगवार मूड में यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे इनके चेहरों पे खुशी का ये, हम दुआ करते हैं भगवान से कि हमेशा जिंदगी भर ये लोग अपनी खुशियों भरी जिंदगी गुजारते रहे, अपने माता पिता की सेवा और अपने घर वालों के साथ अपना रहन सहन पुरसकून तरीके से करते रहे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक रस्म थी मंगलसूत्र पहनाने की, वो पाया तकमील को पहुंची, अब मांग में सिंदूर की रस्म का एहतमाम किया जा रहा है, जो कि तमाम तर एहतमाम पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और उनके सरपरस्त अला बराए रास्त इस प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं और यहाँ पे इतनी बच्चियों का निगरानी करते हुए कन्यादान किया। और आप ये देख सकते हैं कि एक और जोड़ा यहाँ पे अपनी शादी की रस्मों को पाया तकमील पे पहुंचा चुका है और इनकी वालदा मोहतरमा इनके साथ है, इनके तमाम तर रिश्तेदार इनके करीब मौजूद है, इंतहाई खुश पाए जाते हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जाने से डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने जो ये इज्तिमाई शादियों की तकरीब की है, आप यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं? माता जी आपके बेटे पोते भतीजे की शादी आपको मुबारक हो। डॉक्टर रमेश साहब ने ये जो एहतमाम किया है, आप क्या कहना चाहती है डॉक्टर रमेश साहब के मुताबिक? बहुत खुश है आप, डॉक्टर साहब के लिए दुआओं का इजहार भी करती हैं। जय माता की। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर रमेश कुमार साहब के साथ इनके तमाम तर रिश्तेदार किस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और ये इनकी फैमिली, इनके लोग, इनके बच्चे, इनकी फैमिलियां यहाँ मौजूद हैं।
यहाँ पे एक और जोड़ा मौजूद है जो कि शहर में मौजूद है। मैं इनका चेहरा आपको नहीं बता सकता, ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। भगवान इनको अपनी नई जिंदगी के आगाज को इसी खुशी के साथ जिंदगी पर जोड़े रखे। जैसा कि यहाँ पे माताएं मौजूद हैं, यहाँ पे इनके भाई भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये अपनी जिंदगी के रिश्ता अज़दवाज में मंसलिक हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूं कि आप देखें सनातन धर्म की वो अहम रस्म है, रिश्ता अज़दवाज में मंसलिक होने के बाद शादी की अहम रस्म के मांग भरने के बाद जो है दूल्हा दुल्हन की रस्म होती है। अब ये मंगलसूत्र की रस्म है जो कि दूल्हा उनको दुल्हन को पहना के अपनी शादी को सर्टिफाइड करेंगे। मेरे जुमले पे मत जाइएगा, मैंने भी थोड़ा सा इस खुशियों भरे माहौल को देखते हुए एंजॉय करने के लिए आपसे इजाजत ली है। ये बहुत जबरदस्त रस्म है, जैसा कि आपने देखा दुल्हा ने दुल्हन को यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से ये मंगलसूत्र प्रदान किया गया था, वही मंगलसूत्र दुल्हा ने अपनी दुल्हन को पेश किया और आप इनके चेहरे से खुशी का माहौल देख सकते हैं कि किस तरह है। और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने ये तमाम तर रसूमात जो सनातन धर्म में बताई गई है उनके तहत हमारे तमाम बहनों और भाइयों को शादी करवा के वो रसूमात अदा की गई। और आप ये देख सकते हैं भाजी बहन बेटा बेटा ठीक है, आप ये देखें कि किस तरह यहाँ पे मजीद मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे हमारे भाई है। मुबारक हो आपको पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की इस इज्तिमाई शादी में यहाँ पे आप मौजूद हैं, कैसा फील कर रहे हैं? आपकी शादी हो चुकी है, कहाँ से तशरीफ लाए आप? गोलीमार से आए हैं, जैसा कि ये गोलीमार कराची से आए हो, पूरे सिंध पूरे बलूचिस्तान से पाकिस्तान के तमाम अजलाओं से यहाँ पे लोग शरीक हुए हैं। इन दूल्हा दुल्हन को डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने कन्यादान किया है, 50 दूल्हा और दुल्हन का कन्यादान डॉक्टर रमेश कुमार साहब और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के फोरम से किया गया है और इनको मंगलसूत्र की रस्म अदा की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके तमाम रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है, दूल्हा दुल्हन और इनकी वालदा यहाँ पे मौजूद है और इनकी भाई बहने भाभी है। माता जी आपके बेटे पोते जो भी है इनकी शादी है, कैसा महसूस कर रही है आप? बहुत अच्छा। ये डॉक्टर रमेश कुमार साहब हर साल इस तरह की शादियां करती है, आप चाहती है कि ऐसी शादियां मजीद होनी चाहिए? हाँ, आप डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं, दुआएं देना चाहती है? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा एक बुजुर्ग खातून हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है, दुल्हा की मेरे ख्याल से वालदा है। इनके चेहरे पे इस तरह की खुशी तारी है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार नेक ख्वाहिशात का इजहार दुआओं के साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब को देते हुए किया और आप दीदा भी हो गई है। इनके आप दीदा होने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला और भगवान जो है इसका फल इनको भी दे, इनके डॉक्टर रमेश कुमार साहब के लिए जो नेक जज्बात है वो बहुत अच्छे पाए गए हैं। आपने देखा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल गुज़िश्ता 15 साल की तरह इस मरतबा भी अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाने में कामयाब रही। जैसा कि आपने देखा ये अंदरूनी सिंध से आए हुए एक शादीशुदा जिनकी शादी हो गई है, वो शादीशुदा जोड़ा यहाँ मौजूद है। ये हमारे जो भाई हैं ये भी अपने शादी के इस रिश्ते और बंधन में बन चुके हैं। भाई आपका नाम? रामू। रामू कहाँ से आए हो? मीरपुर कहाँ से आए हो? अंदरूनी सिंध से। अच्छा, आज से पहले आपके कभी किसी रिश्तेदारों की शादियां पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के फोरम से हुई? अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे ये डॉक्टर रमेश साहब ने जो शादियों का बंदोबस्त किया है और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने? बहुत अच्छा किया है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं कि ये शहर में बंधे हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा माहौल जो है वो इस तरह का है कि यहाँ पे अग्नि भी जल रही है, तो ये अपने ख्यालात का इजहार इशारों में इन्होंने नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं के साथ किया है। आप देख सकते हैं ये सनातन धर्म की हवन है, ये यज्ञ है। ये इस हवन में 9 ग्रह और तमाम 33 करोड़ देवी देवता शामिल होके इनकी शादी में शरीक होते हैं सनातन धर्म में। इस यज्ञ की इस हवन की जो हैसियत और अफादियत पाई जाती है वो ये है कि जिस तरह दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी को इनके दरमियान इनको गवाह बना के खुदा की अल्लाह की भगवान की
बनाई हुई ताकत इस अग्नि में मौजूद होती है, उनको साक्षी करके, साक्षी का लफ्ज है गवाह, उनको साक्षी करके गवाह बना के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे, सारी जिंदगी अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने माता पिता की सेवा में ये मशगूल रहे। जय श्री राम। भाई कहाँ से आए हो? उमरकोट से। अच्छा, उमरकोट से आप आए। आपकी जो शादी है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के फोरम से इस्तेमाई शादियों में हुई है, मुबारक हो आपको। अच्छा, आपकी जो ये शादी हुई है, आप कितने खुश हैं यहाँ पे शादी के बाद? बहुत सारे खुश हैं। तो यकीनन जो ये शादियों का एहतमाम किया पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने, तो फिर आपका दिल उनके लिए क्या कहता है कि आप किस तरह की ख्वाहिशात का इजहार करना चाहते हैं? जैसा कि नाजरीन इन भाई के चेहरे पे भी जो है वो सेहरा बंधा हुआ है, मेरी बहन दुल्हन भी यहाँ मौजूद है, इन्होंने अपनी एक बंद आवाज और एक खामोश आवाज रीत रवायत है घूंघट की, और ये बहुत एक अच्छी रस्म है कि हर इंसान अपनी रीत रस्म और रिवाज को ना भूले। इन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मुझे इस चीज का इजहार किया है कि हम पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और उनके सरपरस्त आला के लिए बहुत अच्छी इन्हें ख्वाहिशात रखते हैं, उनके लिए दुआ गो है कि सारी जिंदगी वो ऐसे काम करते रहे और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, भगवान उनको ऐसी हौसला दे कि वो सारी जिंदगी इससे भी बड़े बड़े इज्तिमा तो ऐसे प्रोग्राम करके सनातन धर्म के भाइयों की सेवा करते रहे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह हमारी बहनें बैठी हैं और हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। आप कहाँ से आए भाई? उमरकोट से। अच्छा, क्या नाम है आपका? हेमराज। हेमराज, आपको मुबारक हो, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इस इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम में आपकी शादी हुई और आप कैसा खुश हैं? तो ये मेरे भाई हैं हेमराज, यहाँ पे मौजूद है। ये इस ऐसे खुशी के मौके पे आप जो इस खुशी के तमाम तर एहतमाम जिन्होंने किए हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और उनके सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश साहब, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो किस तरह आपकी जिंदगी में जो है वो खुशियां लेके आए और आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरे भाई का कहना है कि ये डॉक्टर साहब ने जो किया है बहुत खुशी का आलम है, सारी जिंदगी उनकी जो है वो खुशियों से भरी रहे, ये बहुत अच्छी इनकी ख्वाहिशात थी। जैसा कि आपने देखा ये उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं इस पंडाल में, ये हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त हम तमाम तर पंडाल में कवरेज कर रहे हैं। इस कवरेज में आप देख सकते हैं कि काफी सारे नौ ब्याते शादीशुदा जोड़े इस पंडाल में मौजूद हैं, उनके मैंने ख्यालात आपसे शेयर किए। मैं आज अभी एक और दूल्हा के साथ यहाँ पे आया हूँ, इसके रवायत आप देख सकते हैं और मैं आपको दूर से दिखा सकता हूँ कि लोगों का बहुत रश है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब यहाँ पे अब स्टेज पे अपने इस प्रोग्राम के जो है रसूमात को पूरा होने के बाद यहाँ पे मुखातिब हैं लोगों से और मुबारकबाद दे रहे हैं। डॉक्टर शोएब सलन साहब जो यहाँ पे आज आए हुए हैं स्पेशली इस प्रोग्राम की वजह से, उन्होंने जो उमेश उमेश माइनॉरिटीज के जो कमीशन बनी है माइनॉरिटी राइट्स के लिए, और सदन साहब के तजुर्बे की वजह से हमारे जो मसलियां जो रहे आज वो भी यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच में, उनकी तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद। और ये चौदवा ये फंक्शन हो रहा है, पहले की तरह इस परंपरा को मेंटेन करते हुए बाबी फैसल इनकी वाइज यहाँ पे उनकी चौथी मरतबा ये आज यहाँ पे आज तक उन्होंने ये फंक्शन जो है वो मिस नहीं किया है। पहले बाबा फैसल इदी साहब के साथ आती थी और अभी वो फैसल को यहाँ पे लेके आती है, मगर ये चौथी मरतबा इन्होंने यही परंपरा रखी है आज भी आपके बीच में इस फंक्शन में यहाँ पे मौजूद है लोगों को भी और फैसल भाई को जो है यहाँ पे वेलकम दिया है। मैं करता हूँ तो बाकी तकलीफ जो वो करेंगे, मैं आपको अब आशीर्वाद के लिए जो है जो गुना और गुमन जो माँ बाप से जो है वो अपने माँ बाप से आशीर्वाद में
और उसके साथ जो है मैं कहूंगा कि इस वक्त जो जोड़ा यहाँ पे मौजूद है उसको गिफ्ट जो है स्टेज के ऊपर सरल साहब यहाँ पे मौजूद है और फैसल इडी साहब मौजूद है तो उनके हाथ से मैं चाहूंगा कि ये उनको अदम जो है ये ड्रोन का ये जो जल्दी जो सेव होता है वो उनसे मैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर इनको दिलाऊं। बाकी यहाँ पे पहले की तरह सबसे लाइन में बैठा के पूरा ग्रेड करेंगे एक जो है अम्मी आशीर्वाद के बाद जो है वो करेंगे। आपकी कन्यादान किया आपका
आइए तैयार है भाई के सेटिंग का अली थोड़ा जैसे हो जाए थोड़ा सा अली भाई थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से एक तो बता दूं माइक हां इधर बाजू कौन बिल्कुल डाले अरे भैया नए साल की जो शुरुआत होती है और वो मैं ऐसे मेरे काम से करता हूं मेरा पूरा साल अच्छा बच्ची की भी शादी अपनी बेटी की बनाता है तो धर्म में मैंने देखा है कि बच्ची की शादी और आज 2008 से लेके ये चौथा फंक्शन हेलो स्टेज पे जो खड़े हुए हैं एक्स्ट्रा हट जाए तो मेहरबानी होगी। इस्तेमाई शादियों के जरिए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आज जो हो रही है मैं समझता हूँ मेरे लिए जिंदगी में बहुत अच्छे काम करता हूँ स्पेशली अपनी कम्युनिटी के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान की अपने आप को तकलीफ में डाल के दिन रात मेहनत करके करता हूँ। फैसल लीडी साहब और उनकी वाइफ जो खुशी 14 साल से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से वो आ रहे हैं अब तक कंटिन्यू है मुझे उनको वेलकम करते हैं और साथ में इस प्रोग्राम के अंदर खुशी की बात ये है इतने लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं साल पूरा इंतजार करते हैं। मैं इस वक्त कोविड की वजह से लोगों की ख्वाहिश थी कि सर कोविड की वजह से आप करेंगे या नहीं करेंगे हमने कहा 50% लोगों को 50 के करीब यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे 50% लोगों को जहाँ जहाँ पे चार चार पांच पांच लोग हैं उधर अकोमोडेट करेंगे। आप सारे टीवी चैनल हमेशा देखते हैं कि 100-100 जोड़े होते हैं मगर आज यहाँ पे 48 जोड़े जो हो रहे हैं क्योंकि पंडाल को 20-25 हजार लोगों को एक इकट्ठा करना मैं नहीं समझता था कि कोविड में ये जो है वो संबंधी है। फिर भी जो एक साल पूरा जो बच्चे जो इंतजार करते हैं उनके माँ बाप इंतजार करते हैं मैंने कंटिन्यू करने का फैसला किया और आज उस हवाले से हमारे एक स्क्रूटिंग प्रोसेस होता है उसके बाद हम उसके 100 जोड़ों की जो है वो हम सिलेक्शन करते हैं चाहे शादी के मामले में हो चाहे विवाहें जो होती है उसको पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से जो आपकी होती है उनको सिलाई मशीनें दी जाती है। आज भी हमारे पास 1200 से ज्यादा बच्चे एनरोल है जो इस वक्त की जो है वो पढ़ रहे हैं 100 से ज्यादा बच्चियां मेरे देख काम है और यहाँ पे जो आते हैं उनके ऊपर हमारा काफी खर्चा भी होता है क्योंकि जिस तरह उनका हो उनका छोटी सेट हो उनका हंगर कीपर हो उनके लिए सिलाई मशीन हो वॉशिंग मशीन हो टीवी हो फ्रिज हो ये सारी चीजें जो है पहले जब शुरुआत में मैंने काम किया तो लगता था कि लोग देने वाले थे अब आप फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों को आप देखें मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए भी अगर सही तरीके से अगर काम किया जाए कि एक नारा लगे कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो और अनिश्चित के साथ आगे बढ़ा जाए
तो पाकिस्तान का कर्जा ये 40,000 अरब जो है ना एक साल के अंदर हम खत्म कर सकते हैं। तो मैं आज फिर आपकी तरफ से मैं डॉक्टर शरद फजल साहब जो आज इस फंक्शन में आए हुए हैं, फैसल अली जी साहब अपनी फैमिली के साथ जो 14 साल से जो उनकी रवायत जो अली साहब की थी फैसल ईदी साहब और वन मैन कमीशन के जो चेयरमैन है शेर सरल साहब उनको वेलकम करते हैं जिनकी गहराइयों से, और उसके अलावा पाकिस्तान हिंदुस्तान के मेंबर एडवाइजर एनसीपर और जितने भी मेंबर हैं और आप सब लोगों जितने मेहमान हमारे पास आए हैं यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ सारे पत्रकारों को वेलकम करते हैं, सारे मेहमानों को वेलकम करते हैं और आप सबके लिए शुभकामनाएं और एक तरह सबके लिए तालियां। मेहमानों को हजरत पहनाई जा रही है आपकी तालियों में और अभी डॉक्टर साहब दो अल्फाज आपसे बोले कहेंगे जरा सुने उसके बाद खाना खुलेगा। लाइन साहब सबसे दो मिनट आसान आ रही है आसान खत्म हो जाए तो हम दो मिनट आप सबको जो है मुबारकबाद भी देंगे। सरल साहब यहाँ पे मौजूद है, कतलेदी साहब मौजूद है, राजा आसरमन मंगला जी आजा नहीं एक मिनट से पूरी मीडिया के मैं पवन लाल साहब को
खर्ची का मौका पेश करें यहाँ पे सोने की तरफ से दिलीप साहब आए हैं उनको भी अजमेर का तोहफा दिलीप साहब को पेश करें। मैं मंगला सेवा को लेटेस्ट टाइम लगा के वो भाभी हमारी जो थोड़ा साल की है काम करते फैसल निधि साहब की वाइफ यहाँ पे मौजूद है उनको ओके मैम यहाँ पर आइए मुस्तफा को उनको जो है वो अजमेर का तोहफा पेश करें। रिक्वेस्ट करूंगा हरीश कुमार सचिन को और कृष्ण लाल मुगलानी साहब को और कमलाल आपकी तीन बंदूकों के हमारे और जो गेस्ट आए हुए हैं उनको देखे और मीडिया के जो दोस्त जो सवेरे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मीडिया के जितने दोस्त हैं उन मीडिया के कैमरामैन और उनके रिपोर्टर उनको भी जो है पापा ऋतु कौशल की तरफ से अजरक का तोहफा पेश करें। मैं विक्रम राठी को रिक्वेस्ट करूंगा कि फैसल भाई की बेटी भी यहाँ पे मौजूद है उनको जो है वो उनका जी बिल्कुल ये अजरक का तोहफा जो उनको भी पेश करें। जो वॉलंटियर यहाँ पे कृष्णलाल कृष्णलाल हरीश सजीजा जो यहाँ पे मौजूद को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि विनोद के साथ जो मीडिया के दोस्त आए हुए हैं उन सबको भी अजरक का तोहफा जो है मैं कमलनाथ माथुर को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट जेठानंद साहब खुद अपनी तबियत की वजह से नहीं आए हैं मगर यहाँ पे जय कुमार उनका बेटा यहाँ पे मौजूद है उनको कमलनाथ राठी साहब उनको अजरक का तोहफा जो है वो पेश मेहमान है उनको अजर के पहना है अब थोड़ा डिसिप्लिन के साथ अगर लोग बैठ जाए तो पांच पांच मिनट जो है वो इसकी भी मेहमान आए उनको डॉक्टर मैं हमारे कोऑर्डिनेटर प्रियम कुमार कश्मोर से उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गोविंद माली साहब को शील पेश करें। ये
मैं पवन लाल लाठी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जैन सोसाइटी बैंक की तरफ से जो आया है उनको शील्ड पेश करें। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा के ऊपर शील्ड के ऊपर आए और शील्ड पेश करें मेहमानों को। किशोर बाबू कैमरा के अच्छा मैं मंगानी जिसने बहुत हद तक मेहनत की है ये पूरा सजाने में कोविड के बाद वीकनेस के बावजूद उनके लिए ये आज ये जो अरेंजमेंट है ये सी एक बंदे की वजह से ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है। टोटल अरेंजमेंट इसने यहाँ पे आपके लिए किया है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सजाद साहब और उस्मान साहब जो आए हुए हैं उनको वो शील्ड पेश करें। अब वॉलंटियर्स मुख्तलिफ सेवा मंडली माता सेवा मंडली अभी नई जो हमारी शासन सेवा मंडली जिन्होंने जिस तरीके से काम किया रोकनी जाए बोतल मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जोड़े हैं उन सबको यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे आप बैठाए तो यहाँ पे उनको दहन देना है भगवत गीता का तोहफा भगत गीता का तोहफा और ज्वेलरी से और कुछ कैश वो हम यहाँ पे इनको हम देंगे। मैं हूँ गोपाल दास राजा आसरमल मंगलानी मगर सबसे पहले ये हम शुरुआत करेंगे भाभी फैसल साहब की वाइफ यहाँ पे आई हुई है डॉक्टर सनल साहब आए हुए हैं अपने हाथ से देंगे तो जोड़ूंगा आप करके सबको बैठे कि हमारी जैसे कॉन्फ्रेंस हम तकलीफ हो जाए कितनी देर में सारे ब्रांड सबको बिठाए और दोनों को उनके पीछे खड़ा करें। वॉलंटियर के सारे उनको बताए कि अपने बार उनको दहेज दे सके। अरे जितने स्टेज पे मंडप में दोनों दोनों बैठे हैं वो निकल आए स्टेज के आगे कुर्सियां लगी हुई है वहीं पर आगे दुल्हन बैठे और दूल्हा पीछे खड़ा हो जाए उनको जेंट्स की कुछ चीजें मिलेंगी दूल्हा और दुल्हन निकल आए। शम्स हमेशा बहुत खिदमत करता है सदन साहब की मेरे भी यहाँ पे मौजूद होंगे उनको मैं गोपाल दास को फिर अमजद साहब यहाँ पे मौजूद है सरवन राणा बहुत प्यारा बंदा बहुत खिदमत करता है उन सरवन राणा को कहूंगा कि पास्टर अमजद को शील्ड दे सरवन राणा उनको कहूंगा कि पास्टर अफजल अमजद को। अब मैं आपके सामने वॉलंटियर से दोबारा मैं मिलूंगा 5 मिनट में आपका टाइम लूंगा तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत खिदमत की है उनको अप्रिशिएट करूं मीडिया के सारे लोग हमारे प्रदीप ओचा ने यहाँ पे फैमिली के जय राम जय बंसी बिहारी जय राम जय कुंज बिहारी
सबसे पहले तो मेरी तरफ से जितने भी आज यहाँ पे मेरे सामने जो जोड़े बैठे हुए हैं जिनकी आज शादी हुई है उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं बधाई। मैं अपने आप को पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की पूरी टीम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती है कि रवायत जो 14 साल से जो एक बनी बनाई आ रही है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है और खुश असलूबी के साथ जोश जज्बे के साथ और एक एक्साइटमेंट के साथ जो ये प्रोग्राम है उसका तसलसल आज भी ये जारी है। इस मरतबा मैं पूरी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की मैनेजिंग कमेटी का हमारी यूथ विंग का हमारे जो वॉलंटियर्स है सेवा संगत जो नई जिसने बाहर पानी और चाय की भी सेवा दे रही है और जो शेंगला सेवा मंडली के जो लोग जिन्होंने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है और मुझे इस मरतबा ये वाइड फंक्शन है जिसमें बहुत रिलैक्स रखा है। मालिक कहता है कि आप जब कोई नेक काम करते हो तो आपके लिए मैं आशीर्वाद ऐसी करता हूं कि आपके आपके हेल्पिंग हैंड में जो है वो इजाफा कर देता हूं। जो ये 14वां फंक्शन जो हो रहा है ये वाहिद फंक्शन है। 13वां फंक्शन को अगर मैं देखूं तो 50% लोड जो है वो मेरे ऊपर होता था कि हर चीज को मैनेज करना ये करना, मगर इस 14वें फंक्शन के अंदर मैं पूरी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की मैनेजिंग टीम मतलब अगर ये पूरा दहेज अगर लेना था तो हमारे प्रेसिडेंट गोपाल दास मंगलानी ने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की टीम के साथ अकेले ने पूरी रिस्पांसिबिलिटी निभाई। अगर इस पूरे पिंडाल को अगर पूरी डेकोरेशन किस तरीके से करनी थी तो उस हवाले से भरत कुमार मंगलानी ने जो पूरा एक ऑर्गेनाइज किया सिस्टम के लिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा। टीम वर्क में विक्रम राठी साहब, पमनलाल राठी साहब और हरदिल अजीज, रोजाना आने वाला एक जनरल सेक्रेटरी पहले भी ऐसे होता था अभी भी ऐसा है जो हंसता मुस्ता चेहरा परशोत्तम रामानी, रोशन लाल, हरीश कुमार, सकीता, पूरी जो टीम थी उस पूरी टीम ने जिस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मैनेज करने में इस टीम ने उसके अलावा भी जो लोग जैसे हमेशा खाने के टाइम पे कृष्ण लाल मंगलानी जिस तरीके से निभाता है आज भी मैं उसको उसी तरीके से कृष्ण लाल को रोशन लाल को एक्टर देख रहा हूँ। ऑफिस मैनेजमेंट विनोद जो कैप्टन है ऑफिस में और उसकी टीम में हमारी बच्ची कवल, संजय, ईश्वर, मुक्तल ड्राइवर, मुक्तल और टीम के लोग जिन्होंने जिस तरीके की मेहनत की है मैं उन सबकी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अथक मेहनत के बाद क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं उनकी स्क्रूनिंग करना और स्क्रूनिंग के बाद
रजिस्ट्रेशन फिर सारा अरेंजमेंट इतने बड़े लोगों को और इस मरतबा स्पेशली कोविड की वजह से आपने देखा है कि माजी में जब भी प्रोग्राम हुआ 20-25 हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे मगर इस मरतबा सारी पूरी टीम ने जिस तरीके से लोगों को कन्विंस किया कि बहुत कम लोग आए क्योंकि कोविड की वजह से हमें बहुत इस चीज का ख्याल रखना है तो मैं अपनी पब्लिक का भी हमारे साथ तावन करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। माजी की तरह जो जो हमें इस प्रोग्राम में अक्सर बेहतर मालो जिस बैंक को मेरे भाई सोहेल यासीन साहब हो मुख्तलिफ और बैंक से जो हमें हमेशा सपोर्ट करती है मैं उन सबका श्री का सोने का लाइट का अभिनेत्र का सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इस पर गोविंद माली ने भी हमें मेरा दोस्त पायलट की तरफ से हमेशा यहाँ पे होता है वो यहाँ पे नहीं है। अब मैं आऊंगा उन दो इम्पोर्टेंट लोग आज एक तो फैसल इदी साहब जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 14 साल से बाबी का ये मुसलसल वो फंक्शन है पहले बड़े अफसर सितार इदी साहब के साथ आती थी और फैसल साहब को लेके आती है यहाँ पे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आज दोबारा वो वही रवायत काम करते हुए और आज की नई बात यह है कि इनको बहुत बिजी थे इनको मैसेज नहीं मिला मगर शाम को 4 बजे जब मैंने इनको कहा तो उन्होंने कहा यार मुझसे मिस हो गया अगर मुझे अभी पता चला है तो भी मैं अपनी इस रवायत को कायम रखूंगा। मैं पूरी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की टीम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं हमारे बड़े डॉक्टर शोएब सदल साहब मैं उसका जितना भी एहसान मानू जितना भी उसका शुक्रिया अदा करूं जो वो इस वक्त हमारी कम्युनिटी के लिए जो उनकी सोच है और जो कम्युनिटी के लिए करना चाहता है मैं एक समझता हूं कि उम्मीद की किरण तो मैंने इसके ऊपर लिखा भी है जब मुझसे जब ये वाक्य हुआ उस वाक्य से पहले भी जब जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन थी मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मिला तो मुझे कहा कि जजमेंट आपको हम इतनी सपोर्ट करते क्यों नहीं होती है तो मैंने कहा कि सर आप कमीशन बनाए मैं उसका मेंबर बनूंगा मगर सदस्य आपको उसका चेयरमैन बनाए हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी सर साहब की गैर मौजूदगी में मैंने नाम लिया उन्होंने एक्सेप्ट किया लोग रिटायरमेंट की बात चाहते हैं कि हम और काम नहीं करें मगर उन्होंने कहा कि नहीं मैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाता हूँ वहां पे मुझे ये सुनना पड़ता है कि पाकिस्तान जो ताजिज्म का जो पाकिस्तान था उस पाकिस्तान के अंदर जो ताजिज्म की सोच थी वो अभी क्यों नहीं है मुझे उसके ऊपर काम करना है। आपने मेरा नाम लिया आपने मुझसे परमिशन बनाई हुई थी मगर आपने मेरे ऊपर एतमाद करके आपने नाम लिया है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और उन्होंने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाली काफी आगे बढ़े। अभी जब मंदिर का वाक्य हुआ मैंने चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की मैं उनसे मिला मिलने के बाद मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की कि सर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो भी आप सरल साहब को दें परमानेंट कमीशन इसकी तरह और उसी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट दी मैं समझता हूं कोई बंदा ऐसी रिपोर्ट नहीं बना सकता जो उनके व्यूज जो सामने आए हैं बहुत बड़े व्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट की 19 जून 2014 की जजमेंट के बाद माइनॉरिटीज के लिए अगर कोई तारीखी फैसला आ रहा है तो इस वन मैन कमीशन की रिपोर्ट की वजह से मंडे के दिन आपको एक तारीखी फैसला मिलेगा जिसके अंदर अब ये नहीं होगा कि आपके मंदिर आपके गिरजाघर आपकी धर्मशालाएं सेफ नहीं हो। पूरा एक रोड मैप सरल साहब ने बनाया है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं
ये भी जितनी मुझे अकल है, जितनी मैं मेहनत करता हूँ सरल साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ, मगर लाजमी है सरल साहब की गाइडेंस है। आज मैं यहाँ पे साकब जिलानी साहब, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस तजुक हुसैन जिलानी साहब के बेटे, वो उसको मैं यहाँ पे जरूर याद करना कि वालिद ने जो मिशन शुरू किया था, आज भी वॉलंटियरली वो मिशन को कंप्लीट करने में हमारे साथ है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी ख्वाहिश थी, हमेशा सोचता था कि प्रहलाद मंडल बंद क्यों है। आज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हरीश सखीजा और मैं, हम कृष्णा पंथ के बंदे हैं, हमने एक मरतबा पहले भी डिस्कस किया था कि प्रहलाद मंदिर के ऊपर हमें जाना चाहिए, होली का त्योहार मनाना चाहिए। तो हरीश, कल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि 28 मार्च को इस साल की जो होली है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से 92 से जो मंदिर बंद पड़ा हुआ है, हम होली का त्योहार इस साल 28 मार्च को प्रहलाद मंदिर मुल्तान में मनाएंगे। सरल साहब यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त जो 15 दिन का जो टाइम है, जो सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट जाएगी उसमें भी हम रिकमेंडेशन देंगे कि पूरा बंदोबस्त किया जाए उसका, कि इस मरतबा ये चेंज नजर आए कि प्रहलाद मंदिर जहां पे भगवान ने खुद आके अपनी शक्ति दिखाई थी कि मैं हाँ हूं, और वो मंदिर जो 92 से बंद पड़ा हुआ है उधर हम इस साल होली का त्योहार मनाएंगे। और जल्द इस वन मैन कमीशन की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट की वजह से मैंने लास्ट हफ्ता तालब लिखा कि हमारा लास्ट ईयर का जो आखिरी दिन था वो सूरज हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा आया कि श्री परमहंस जी महाराज समाधि को आग लगा दी गई, मगर नए साल की शुरुआत एक ऐसी चीज से शुरू हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्शन और हमारे चार बड़ी साइट को खोलने के लिए, रिलीजियस टूरिज्म को, कल्चर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो फैसला आने वाला है, मैं समझता हूँ हमारी एक बहुत बड़ी उम्मीद एक नजर जो मुझे आ रहा है बहुत बेहतर नजर आ रहा है। तो मैं अब आपके बीच में क्यों दुल्हन और दूल्हे सारे बैठ गए हैं, मैं चाहूंगा कि फैसल ईदी साहब आए तो दो मिनट अपना पैगाम दें, उसके बाद सदन साहब अपना पैगाम देंगे, उसके बाद जो है हम इन दूल्हे दुल्हन के उनको तोहफे देने के लिए हम सारे नीचे आएंगे। मैं इस वक्त जो हमारा ये प्रोग्राम है वो पूरा YouTube Facebook के ऊपर जो पूरा लाइव चल रहा है उसके अंदर जो हमारे हैदराबाद से जो कोऑर्डिनेटर है जिन्होंने जब इस्लामाबाद में रैली निकली थी बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जो यूट्यूबिंग है हमारी वो भी आज यहाँ पे एक्टिव है, और स्पेशली हैदराबाद से कोऑर्डिनेटर रमेश कुमार वो भी यहाँ पे है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, सबाउद्दीन काजी का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं अब फैसल ईदी साहब से कहूंगा कि वो आए और अपने ख्याल का जाए। अस्सलाम वालेकुम, रमेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तमाम मेम्बरान और जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं और शुक्का मौजूद हैं, मैं इन सबको जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 14th जो है वो इज्तिमाई शादी का जो तकरीब की गई है वो जो है वो जो इसमें शरीक होते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, और ईदी साहब की रिवायत को इस रिवायत को जिंदा रखते हुए मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, मेरी वाइफ मौजूद है, मेरी बेटी मौजूद है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को जो है वो खुश रखे, उनको कामयाब करे और इनके घर में जो है वो बहुत जल्द खुशियाँ लेकर आए। और जो है वो
तमाम तर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से भी मैं जो है वो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो है वो रिवायत जो जहेज की जो रिवायत है उसकी मुखालफत में आप लोग जो ये काम करते हैं इज्तिमाई शादी काम, ये बहुत ही अच्छा है और इसको कायम रहना चाहिए और हमेशा हमारी कोशिश होगी कि इसमें शरीक हों और आपके साथ जो है वो मिल के इस तकरीब का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेख सदन साहब जो आपकी हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तालियों के साथ डॉक्टर शेख सदन साहब आपकी तालियों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, गोपाल कमलाई साहब, राजा भवन साहब, बाकी सब दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, हर एक का मैं नाम शायद ना ले सकूं, लेकिन मेरी तरफ से इतने बड़े इज्तिमा को ऑर्गेनाइज करने पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो कपल्स आज रिश्ता अज़वाज में परोए गए हैं मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और खुश किस्मत है वो जिनको कम्युनिटी जो है वो इस तरह से अपनी दुआओं में इकट्ठे शादी के बंधन में बांध रही है। डॉक्टर रमेश साहब ने वन मैन कमीशन का जिक्र किया है तो मुख्तसर बात यह है कि वन मैन कमीशन के लिए डॉक्टर रमेश एक बहुत बड़ा एसेट है और इनके बगैर मैं समझता हूं कि वो कमीशन इनकम्प्लीट है और जितनी मेहनत से और लगन से ये उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जितना हर वक्त इनके जेन में जो कम्युनिटी के कलेक्टिव मिसाइल हैं उनके लिए सोच विचार और एफर्ट होती है मैं उस पर उनको आपकी तरफ मुबारकबाद देता दुआ करता हूँ कि वो इंसान में अपना हिस्सा जो है वो डालते रहे। मुझे आज इस बात की भी बड़ी खुशी है कि मैंने बैठ के तो जो कपल्स हैं उनको रिश्ता अज़वाज में बनते हुए खुद देखा है और इस बात की भी मुझे खुशी है कि जो उसको हिंदू मजहब वो दूल्हे से ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है बहुत सिलसिला है और इससे सीखने की जरूरत है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मेरी तरफ से फिर बहुत बहुत मुबारकबाद इन तमाम न्यूली बैंक्स को और
सब ऑर्गेनाइजर्स को और खसूसी तौर पे डॉक्टर रमेश कुमार को। बिफोर आई क्लोज रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, उनकी बेगम साहबा बैठी हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो रेड्डी साहब के लिए हम सबके दिलों में जितनी मोहब्बत है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फैसल साहब ने जो उनका मिशन था उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इनके इन अल्फाज के साथ वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मत स्टार्ट दे जड़ी जा पावर बैंक ले Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.